खबर आपको दें, भारत की जारहियत का जज्बा खैर सगाली से जवाब। फैसल ईदी ने भारत को 50 एम्बुलेंसेज फराहम करने की पेशकश की है। एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, ड्राइवर, ऑफिस और सपोर्टिंग स्टाफ मुआवनत करेंगे। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस भारत में मेडिकल का शोबा बहरान का सामना कर रहा है और भारत की जारहियत का जज्बा खैर सगाली से जवाब दिया है पाकिस्तान ने। एक बार फिर इस पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं। असलम, एक बार फिर पॉजिटिव जेस्चर, पाकिस्तान ने फिर अमन का पैगाम दिया है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, पाकिस्तान ने मुश्किल की हर घड़ी में एक मुस्बत पैगाम ही दिया है। इस पर जब भारत में 3 लाख से जायद केसेज आ रहे कोरोना के और जो अमवात हो रही है रोजाना वो 2000 से जायद है, जो महकमा सेहत भारत का वो तबाही के दहाने पर है, ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की जानब से जो खिदमत अंजाम जा रही है उसमें जो एडी एक बड़ा एक नुमाया नाम है, फैसल एडी की जानब से खत लिखा गया है भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को और ये उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान 50 एम्बुलेंसेज फराम करने के लिए एक कोशिश कर रहा है फैसल एडी की जानब से। और ये भी कहा गया खत में कि भारत में कोरोना के जो बढ़ते केसेस और अमवात हैं उस पर दुख है, कोरोना वायरस के मुश्किल हालात में भारतीय आवाम की मदद के लिए तैयार है, फैसल एडी की जानब से ऐसा कहा गया है। ये भी कहा गया इस खत में कि जो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन है, ड्राइवर है, ऑफिस है और सपोर्टिंग स्टाफ है वो मुआवनत करेंगे, भारतीय हुकूमत की इजाजत, पुलिस और जो मुकामी हुकूमत है भारत में उसकी मदद दरकार है। भारतीय हुकूमत की तजावीज के मुताबिक एडी टीम किसी भी हसास इलाके में काम कर सकती है, ऐसा कहना फैसल एडी साहब का। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया असलम खान अपडेट करने के लिए।